नाहरगढ़ फोर्ट घूमने के बाद जयपुर की टीम अमित एंड टीम को बाय कहने के बाद अब मैं आ गया हूँ जयगढ़ फोर्ट, और यहीं पर मुझे रास्ते में मिला है तीक्ष। अरे मैंने बादलों को रोते देखा, हवाओं को सोते देखा, रास्तों को चलते देखा, देखो तो। नाहरगढ़ के बाद हम लोग आ गए हैं जयगढ़ का किला। और लेकिन इसके लिए भी वही है कि 10 बजे ओपन होगा गेट, बट अब यहाँ आ गए तो वेट करते हैं थोड़ी देर। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ जयगढ़ फोर्ट। 250 रुपये की टिकट है इस फोर्ट में एंट्री के लिए, और पार्किंग अलग। जो वाटर टैंक दिख रहा है ये आमेर फोर्ट का पार्ट है। जयगढ़ फोर्ट टॉप पे है तो यहाँ से आमेर का बहुत अच्छा व्यू दिखता है। जयगढ़ फोर्ट में आने के बाद एक कैंपस था जिसका नाम था जयवान कैनन। काफ़ी बड़ा कैंपस था, बहुत घूमे, हमें कैनन नहीं मिली तो हम सोचे थे कि कहीं कट तो नहीं गया हमारा, लेकिन और एक्सप्लोर करने के बाद इस कैनन के पास पहुँचे हैं। और स्तूप का निर्माण सन 1720 में जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय द्वारा किया गया। इस स्तूप की रेंज 22 मील है, मतलब 22 मील की दूरी तक ये मार सकती है। इसमें फूल की आकृति बनी है और बीच में मोर की जोड़ी है और बतख। मन चला मैं तो घूमता रहा, कहाँ को मैं कहाँ को मैं। इस तोप का नाम बजरंग तोप है। लड़ाई के समय इसे 32 बैलों द्वारा खींचकर ऊपर चढ़ाया जाता था, और ये अष्टधातु, ये तोप बनाने की फैक्ट्री है उस टाइम की, और यहाँ पर तोप बनाई जाती थी। देखो अब कहाँ को मैं कहाँ को मैं, राह में पला मैं तो राही हूँ भला, अब ना रहूँ सलाखों में मैं मन चला। दिस इज द व्यू फ्रॉम कैनन फाउंड्री इन जयगढ़ फोर्ट, चला मैं तो घूमता रहा, कहाँ को मैं कहाँ को मैं। 5 मिनट पहले हम वहां थे, वहां बैठे हुए थे, झंडे के साइड में बावड़ी दिख रही है वहां पर। मैं मन चला मैं तो घूमता रहा, कहाँ को मैं कहाँ को मैं।